हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चार ऐसी टिप्स की जो आपको करेंगी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने में मदद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी टिप नंबर वन है, पढ़ाई के लिए ढूंढिए एक अच्छा एनवायरनमेंट। आपके लिए जो सूटेबल एनवायरनमेंट हो पढ़ाई के लिए, आप उस एनवायरनमेंट को ढूंढिए। आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करिए, आप अलग अलग तरीके से पढ़ाई करके देखिए। जैसे मतलब पहले अकेले पढ़ के देखिए, फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ पढ़ के देखिए, आप बाहर मतलब आउटडोर जाके पढ़ के देखिए। आपको जो चीज सूटेबल लगे वो एनवायरनमेंट आपके लिए सूटेबल है, ताकि आप कॉन्सेंट्रेट कर पाए। तो इसी तरीके से पहले आप अपना एनवायरनमेंट ढूंढ लीजिए कि आप किस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल है पढ़ाई को लेके, तो आपके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमारी बाकी की टिप्स को लागू करें। हमारी सेकेंड टिप है, आप अपना पूरा स्टडी मटेरियल एक जगह पे गैदर कर ले। जैसा मतलब आपका जो स्टडी टेबल है, आपकी सारी नोटबुक्स, आपके सारे बुक्स, आपके सारे नोट्स, आपके सारे पेन्स, या फिर आपको पानी चाहिए रहता है, आपको कोई स्नैक चाहिए, सब आपके हाथों की रीच के अंदर होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको किसी भी चीज के लिए लेने के लिए उठ के जाना पड़ रहा है। आपके पेन्स हो गए, आपकी पेंसिल्स हो गई, कुछ भी चीज ऐसी जो आपके स्टडी से रिलेटेड है, उसको आपको लेने कहीं जाना ना पड़े, ताकि मतलब हर चीज आपके हाथ के रीच में रहेगी। तो उससे क्या होगा, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा कि यार उठ के जाके वो लाना है, कहाँ रखा है, ये वो। तो आप क्या करिए, आप जो एनवायरनमेंट आपको मिला है, आप अपनी सारा स्टडी मटेरियल, सारा का सारा स्टडी मटेरियल अपने सराउंड कर लीजिए इतने डिस्टेंस पे कि आप आसानी से उस तक पहुंच सके बिना अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करे, मतलब आपको उठ के जाना ना पड़े। ये है हमारी टिप नंबर टू। हमारी टिप नंबर थ्री है, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं पढ़ाई में, मतलब अगर आपके नोट्स आपके लैपटॉप में है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन गैजेट्स की बात कर रहा हूं जो उस समय आपके किसी काम के नहीं है आपकी स्टडीज में। तो आप उन सब चीजों से दूर रहें, उन सारी चीजों को आप दूसरे रूम में रख दीजिए, आप कहीं और रख दीजिए, मतलब अपने पास ना रखें। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है आपकी पढ़ाई से, उसको रखें दूर अपने पास से। इससे क्या होगा, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जैसे कि मतलब कहीं टेबल से आपको उठ के नहीं जाना है, ना आपको कोई टेक्स्ट चेक करना है, किसी का कॉल अटेंड करना, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। क्या है कॉन्सेंट्रेशन, ये भी चीज प्रैक्टिस से आती है। आप मतलब किसी एक चीज के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे, आपका ब्रेन हैबिचुअल हो जाएगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं तो मैं पढ़ ही रहा हूं, मैं अगर डिस्ट्रैक्ट हुआ तो फिर अलग है, फिर दोबारा माइंड को वहां सेट होना पड़ेगा। तो अगर आप एक जगह सेट हो गया आपका माइंड पढ़ाई में, तो उसको वहीं सेट रहने दे। इसलिए सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको कर दीजिए अपने रूम से बाहर, आप जहां भी पढ़ रहे हैं आपसे दूर रखें। ये थी हमारी टिप नंबर थ्री। हमारी टिप नंबर फोर है, एक रूटीन बनाएं। एक पढ़ाई का रूटीन बनाना जरूरी है। क्या होगा, आपका अगर रोज रूटीन रहेगा कि आपको शाम 7 बजे पढ़ना है या सुबह 7 बजे पढ़ना है, तो जैसे अगर आपका हर रोज का रूटीन रहेगा, आपकी बॉडी आपका माइंड उस चीज के लिए तैयार रहेगा उस टाइम पे। मतलब क्या होगा कि आपके माइंड को पता है कि अब 7 बज गए हैं, मैं अब जाऊंगा, अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे पढ़ाई है, तो आपका माइंड उस चीज के लिए सेट है। आप उसको शौक नहीं दे रहे हैं कि एकदम से आप बैठ गए पढ़ने, आप उसको हैबिचुअल बना दीजिए अपने ब्रेन को कि हाँ ये एक मेरा रूटीन है, मुझे इतने बजे पढ़ना है, मैं उतने बजे ही पढ़ता हूं। तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेन आपकी मदद करेगा कि हाँ उसको पता है कि ये इस समय पढ़ेगा तो मैं अब पढ़ाई के लिए तैयार हो जाऊं। आपका ब्रेन बहुत सारे टास्क निभाता है, तो उसमें से उसको पढ़ाई के लिए एक सेपरेट, अगर पता चल गया कि डे के इस टाइम में उसको उस चीज पे वर्क करना है, तो वो उसी चीज पे करेगा, वो फालतू वेस्ट नहीं करेगा एनर्जी। तो इससे क्या होगा, आप ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। मेन चीज क्या है हमारा मोटिव, कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़े। आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो आप जल्दी लर्न कर पाएंगे किसी भी चीज को। तो क्या है, आपने पहली टिप सुन ली, दूसरी टिप सुन ली, तीसरी सुन ली, ये हमारी लास्ट टिप है। इसमें यही है कि आप बस एक रूटीन बना लें, सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर रखें और एक रूटीन बना लें, तो उस टाइम पे जब भी आप जाएंगे पढ़ने, आपका माइंड आपके साथ तैयार होगा कि हाँ इस समय मुझे पढ़ना है, और आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। यही थी हमारी कुछ टिप्स अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के लिए पढ़ाई में। और अब एक बोनस टिप आप सभी लोगों के लिए, क्या करिए आप लोग, एक किसी फ्रेंड के साथ जिसको स्टडीज करनी है, उसके साथ ग्रुप स्टडीज करिए। क्या होगा उससे, अगर आपके अंदर कुछ डाउट्स हैं,
तो वो उस चीज को ओवरकम करने में आपकी मदद कर पाएगा, या उसके अंदर कुछ डाउट्स है वो आपको ओवरकम करने में मदद कर पाएगा, क्योंकि आपने सारे डिस्ट्रैक्शन दूर रखे तो आप दोनों के पास कुछ और काम नहीं है, आप दोनों को स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या होगा ना, अगर कोई सॉल्व करने वाला रहे आपके साथ में तो क्या होता है, आप एक मतलब एक लेवल रहता है, क्या होता है सबका अलग अलग तरीका रहता है समझने का। अगर उसका तरीका समझने का आपसे सिंपल हो, वो ज्यादा अच्छे से उस चीज को विजुअलाइज कर पा रहा है या ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पा रहा है, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ चुका ही है, आप अब अच्छे से पढ़ भी पा रहे हैं, आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके फ्रेंड भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की टिप्स, होप सो आप लोगों को पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक जरूर करें, अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी करें, और देखते रहे मेरा चैनल ऋषभ तेलंग।